मॉम सिखाएंगी हमें स्विमिंग करना इस दा, प्यार किया तो क्या डरना इस दा। लगता है बहुत खुश हो गया। बिल्लू, आज तू लड़की की आवाज में गाना गाया है। सच? वाला, एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मॉम। क्या है वे? क्या बात है मैडम, क्या बात है, आज तो आप लड़की दिख रही हो। डैडी रन वे, मम्मी वन वे। नहीं मैडम, लेकिन सच में मैडम, वाकई आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ना मतलब तू क्या चाह रहा है कि मैं चौकी में भी ऐसा स्विमिंग कस्ट्यूम में आया करूं रोज? मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली है। मैडम आप ना किसी की भी जान निकाल सकती है ऐसे में। कोई बोल नहीं सकता कि आप पुलिस वाली हैं। ना कोई बोल सके ना सके, तू यहाँ पेम्पलेट जरूर बटवा ले कि मैं पुलिस वाली हूँ करके हल्ला काट के। वेल मॉम, चलो पूल के अंदर इज्दा, मेरी पड़ोसन ने मुझे कहा बंदर इज्दा। चलो चलो स्विमिंग सीखे आओ चलो। अरे नचड़ाला रुकी ना, देखिए ये तो आपको पता है कि हमें तैरना नहीं आता, लेकिन आपको ये बात बता दे कि हमें पानी से डर भी लगता है। ठीक है सर, मैं कमिश्नर साहब ने फोन करके उनको गिनवा देती हूँ आपको किन किन चीजों से डर लगे। क्या मजाक कर रही है आप, हम तैरने के लिए तैयार में चढ़ा रहा, चलिए। मॉम, शी सो डीपली वाटर। अरे संभाल के मिस चौटाला, संभाल के। ओह माय गॉड, गो बॉयज, गो गो, वेरी गुड, गो। ऐसा अगर हमारे साथ हो जाए बिल्लू भैया, तो हम तो स्वर्गवास हो जाए। चलो हम तुम्हें कुछ दिखाते हैं, तुम बड़ा हमें घुमाते हो, गाना गवाते हो, हम तुम्हें आज कुछ और कराते हैं। वेरी गुड। पानी से दम नहीं, कोई जरूरत ना पानी में, खुद को तुम समझो कि यू आर ए मछली। मछली नहीं मतलब तू मछली नहीं, तू अपने आप को शॉर्ट वाइज समझ ले, बड़ा वाला। ठीक है जी, कुछ नहीं, हाथ देखो सामने अपनी स्पीड में, पता स्पीड में है। किसने कही झपकी मारने, किसने कही? मैंने आपने मारा ना पीछे, ऐसा मत कीजिए ना। अच्छी लग रही है मिस चौटाला, उतर जाएगी हम भी पानी में। भैया, भैया, भैया इसको पकड़ के रखो, आप नहीं डूबोगे। थोड़ा मुझे नहीं सीख रहे, अब मैं हूँ यहाँ, कुछ नहीं। अबे देख, हाथ पैर अपने ढीले छोड़ दे और पाँव को ऐसे छप छप ऐसे, जैसे अपना साइकिलिंग करेंगे ना हम लोग, अपना हम साइकिलिंग करें वैसा। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ सही सिखा रही है मैं छोड़ा ला, ऐसे ही सिखाते हैं, करेक्ट। तो मेरा छोटा भाई, छोटा भाई है मेरा। भैया मैं तो हमेशा से आपको यही कहता है, ऊपर क्या कहूँ कि
फर्स्ट ऐसे लेफ्ट हैंड ऐसे जाएगा सामने को, अपना पांव जो है वो ऐसे ऐसे जाएगा। वाओ ठीक है। पिछली होली पे टायर जला के कलर बना के लगाया था ना तूने मुझे सुरेश? किसने? भूल गया, इस बार मेरी बारी है। अरे होली है भाई, होली है, होली है भाई, होली है, पूरा ना मानो होली है। ये देख पूरा टैंक भरा है कलर से तेरे लिए, सिर्फ तुझसे बदला लेने के लिए। फिर यो हाथ आएगा आगे। मैडम यो, अरे यार देख इन टैंक, वो देखिए गोपी। अबे अबे बुलक्कड़, अबे क्या कर रहा है बे, डूब जाएगा वो। होली होली है भाई, होली है। बिल्लू ये भाई, होली है। गोपी होली होली है भाई, होली है। होली है भाई, होली है, होली है भाई, होली है, होली है भाई, होली है। गोपी कहाँ है? होली है, होली है। गोपी कहाँ है भैया? गोपी है, है। छोड़ो ना, गोपी कहाँ है? गोपी कहाँ है? गोपी। अरे यार मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ भैया? अरे मैडम जरा गोपी को निकालिए, वो अंदर ही रह गए, वो मर जाएगा मैडम, डूब जाएगा वो। दिल्ली में एयरपोर्ट पालू मिस द। बहुत याद आ रही है भैया की, काश मैं भूला नहीं होता। तो गोपी आज दुनिया से झूला नहीं होता। अबे तुम दोनों समझ का ही नहीं रहे हो बे, वो डूबा नहीं है बल्कि गायब हो गया है। पर कहाँ गायब हो गया, ऐसे कैसे गायब हो गया वो? पापा, हमारे बापू कहते हैं कि अगर कोई अपने मन से प्रार्थना करे तो तू सब दे देवे। हम सब तने एक साथ लेकर आए थे नाचते गाते हुए, हमारे साथी को हमसे ना छीन पप्पा। गोपी जहां भी हो उसकी रक्षा कर ले पप्पा, हमारे साथी को हमें वापस कर दे। गोपी को वापस ले आ पप्पा, वापस ले आ उसे। गणपति पापा ने हमारी बात सुन ली। गणपति पापा मोरया। अरे गोपी तू वापस आ गया यार, गोपी तू कहाँ ना, गोपी तू कहाँ रह गया था बता ना, बोल बोल गोपी बता कहाँ था तू, बता ना गोपी, बोल ना, चुप क्यों है गोपी, बोल ना, बोल ना, बता ना गोपी तू कहाँ था, बोल ना तू कहाँ था, बोल ना, बोल ने मौका तो दे दे उसे। हाँ हाँ बोल। अबे बोल कहाँ था तू? Well mom, जब बिल्लू ने मेरा सर पानी में डुबोया इसका, तब मुझे कुछ होया इसका।
किसने खींचे मेरे पैर इसका, वो था कोई और गैर इसका। मम्मी जी फिर मुझे पता नहीं चला जी, मैं पानी में कहां बह गया जी, जब मुझे होश आया तब यहां पहुंचा हूं जी। समझ गए मिस्टर डॉलर, इसका मतलब वो टांग खींचो आया था वहां पर। हाँ सर आया तो था, पर बात अब भी वही की वही है कि कहां से आया और कहां को निकल गया स्विमिंग पूल के नीचे वो, और इसको कहां ले गया वो। एक काम करो, उस रिजोर्ट के मैनेजर को जरा फिर से बुलवा। भैया क्या है? आपको चाय पिला के लाता हूं। नहीं मुझे कोई चाय वाय नहीं पीनी भाई। क्यों क्या हो गया? कुछ नहीं बस। क्या हुआ क्या? ऐसे ऐसे याददाश्त जाती है किसी की भी, बंदे की जान ले लो आप, मरते मरते बचाऊं मैं तेरी वजह से। आप गीली जुराब की तरह मुंह लटका के क्या खड़ा है भैया? मैं तो बात मत कर मेरे साथ, तू बस मुझे कोई बात नहीं करनी तेरे साथ। तो मत कर, मत कर बात बिल्कुल। मैं कभी कोई शौक नहीं आ रहा बात करने का आपसे यहाँ पे। मैं कोई यहाँ पे पीछे पीछे नहीं घूमूंगा मनाने के लिए कि मान जाओ, मैं इतने अच्छे से यहाँ पे प्यार से मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हो गया, चलो चाय पिला दो, मैं बैठा रहा यहाँ पे। मत करो बात, बैठना अकेले कोने में, अखबार पढ़ते रहना अपना, कोई नहीं आएगा यहाँ पे। भैया भैया बोलता हूँ, इतनी इज्जत करता हूँ मैं, तेल लेके आता हूँ, चंपी करता हूँ, इतनी मेहनत नहीं। अरे मैं बीमार हूँ, मेरी बीमारी है कि मैं भूल जाता हूँ। सर्टिफिकेट है मेरे पास, मैं प्रूफ के साथ करता हूँ जो करता हूँ, कोई मैं ऐसे ही नहीं करता कुछ भी। बीमार हूँ मैं, मेरी बीमारी नहीं दिख रही आपको? नहीं ऊपर से और आप मेरे को डांट रहे हो यहाँ पे। नहीं मैं कोई को नहीं, कोई नहीं, मैं सारी बातें भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, ठीक है बस। नाराज हो मुझसे अभी? ना हाँ नाराज हूँ। तो कराओ चंपी। हाँ क्यों नहीं। आज तक मुझे इतना मेरे बाप ने डांटा होगा जितना तूने डांट दिया मुझे। कलेजा बैठ गया एक बार तो मेरा। कोई बात नहीं, अगली बार मारूंगा भैया। हेलो चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे ईमान चौकी। हाय हैंडसम। वो तो है, कौन? लो अब तुम हमारी आवाज भी भूल गए, और एक हम है कि तुम्हारे प्यार में लव के झूले झूल गए। देखिए मैडम, हम समझ नहीं पा रहे आप कौन है, कौन है आप? हाय एक तुम हो कि समझ ही नहीं पा रहे, ना मेरे इश्क को, ना मेरी प्यार को, ना मेरी मोहब्बत को। क्यों नहीं समझ पा रहे मेरे हैंडसम हुलुलुलु? मैं हूँ तुम्हारी कमसिन आहा, जो कर देगी सबको स्वाहा। ओह आ, आ, आ आप? हाँ मैं। वैसे तुम मुझे रोज मिस तो करते हो ना? ना हैं? तुम मुझे मिस नहीं करते? तुम्हें पता है ना मैं हूँ कमसिन आहा, जो कर देगी सबको स्वाहा। ना ना हमारा कहने का मतलब है ना मिस कर, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। करते हैं ना, तो प्लीज थोड़े दिन और रुक जाओ, मैं जल्दी ही कानपुर से वापस आ जाऊंगी, और फिर उसके बाद धूमधाम से शहनाइयों से फूलों से हाय हाय हम मजे करेंगे, नाचेंगे गाएंगे घूमेंगे। बस थोड़े दिन रुक जाओ मेरे हैंडसम जवान हुलुलुलु, और सुनो बाकी बातें रात को करेंगी। मैं तुम्हें रात को फोन करूंगी, फिर लंबी 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 बातें करेंगे। और सुनो फोन उठा लेना, क्योंकि तुम्हें तो पता है मेरा नाम है कमसिन आहा, जो कर देगी सबको स्वाहा। बाय 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 बाय। हे भगवान क्या है यार ये, बेबी एलिफेंट में रात भर फोन करके हम उठाएंगे ना, मिस कॉल देते रहे उठाएंगे ना? चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे बनते हमारी इज्जत खतरे में। चलो चंपा नहर से पानी भर आते हैं।
वरना वो बिरजू मुआ आ गया ना तो फिर से अपनी गुलेल से हमारी मटकी फोड़ देगा। चलो 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 ओ कके इधर आ जरा इधर आ इधर लो बस कुछ नहीं कुछ कोई नहीं जी बच्चा है बच्चा 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 बहुत बेइज्जती होती है यार प्लीज यार करना कराना कुछ है नहीं बेइज्जती मैनेजर कहाँ है वो जिसको बुलवाया था वो रिजोर्ट वाला मैडम गुलगुले जी खुद उस मैनेजर को लेने उसके घर गए और वो कह के गए कि मैं वहां पे जाके भाभी जी के हाथ के चिप्स पापड़ और पकौड़िया खाऊंगा तो थोड़ा मुझे टाइम लगेगा आराम से आऊंगा मैं दोस्त भाभी जी के हाथ में जादू है यार मतलब कमाल की पकौड़ियां बनाई देखो अगली बार यार तुम घर पे रहो या ना रहो मैं आ जाऊंगा खाने के लिए अपना ही घर समझूंगा वो ये ए, स्नेक आईज आज के बाद अगर तैने जो है ना किसी पुलिस वाले को चाट पकौड़ी ठुसवाई तो फिर जेल की रोटियां ठुसवाऊंगी मैं ता उम्र मैडम मैंने तो टालने की बहुत कोशिश की अपने स्टाइल में लेकिन ये आदमी ही बेशरम है एक्सक्यूज मी ना कुछ नहीं लेकिन मैडम ये आपने बहुत अच्छा किया कि मुझे यहाँ बुलवा लिया वरना मैं तो खुद ही तैयार हो रहा था चौकी आने के लिए अच्छा यो हमेशा हो जावे कि जब हम तेने बुलवाए तब तू हमारे पास आने के लिए तैयार हो रहा होता है अरे मैडम बात ही ऐसी है मैं आपको क्या बताऊं उस टांग खींचू ने दूसरी बार लेटर लिख के भेजा ये 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 लीजिए मैं पढ़ूंगा मैं पढ़ूंगा मैं आप पढ़ लो उसमें क्या है मैं भी पढ़ा लिखा हूँ चंबल अब ये जुदाई सही नहीं जाती एक महीना हो गया हमें मिले हुए दिल के फूल खिले हुए सुनो आज रात तुम पिछवाड़े का दरवाजा लॉक मत करना मैं वहां से होके छत पे आ जाऊंगी तुम्हारी सुनीता वाला ये ये रहा ये मैडम आपकी अबे चल ना यार सुनीता अनीता तुम्हारे रिजॉर्ट में पुलिस वाले आए थे उनको क्या लगा कि वो मुझे पकड़ सकते हैं वो मुझे कभी नहीं पकड़ सकते और मैं मानने वाला नहीं हूं जो भी इस रिजॉर्ट के पूल में आएगा उसकी मैं टांग खींच के रहूंगा यो मेरा चैलेंज है फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़